पता नहीं बेटा कैसे खाएगी। नमस्ते, अगर आप भी हमारी वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका चटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम करने वाले हैं पिज्जा हट के गार्लिक ब्रेड का रिव्यू। भाई पिज्जा हट की चार तरीके की गार्लिक ब्रेड आती है और आज जो है ना हम आपको वो चारों गार्लिक ब्रेड दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और लास्ट में बताएंगे उन सारे गार्लिक ब्रेड का प्राइस। और अब बारी है आज के पहले शाउटआउट की। पहला शाउटआउट जाता है तनिष्क चौधरी जी को, चटोरा पॉइंट की टैगलाइन सजेस्ट कर रहे हैं, द पॉइंट वेयर चटोरा लिव्स। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। यही टैगलाइन हमने भी आपको बताई थी हमारी सेकंड Q&A में। थैंक यू सो मच। और अब बारी है भाई, इसको फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। दो गार्लिक ब्रेड हमें जो है ना पंकज इस तरीके से बॉक्स में मिली है। हाँ, ये साथ में हमें डिप मंगवाई है और दो आई है जी इस तरीके से पैकेट में। तो अब इनको एक एक करके ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी क्लोज लुक। तो ये सबसे पहला पैकेट खोल के देखते हैं जी इसके अंदर कौन सी वाली है। भाई ये है जी हमारी क्रीमी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। ओके भाई, ये कुछ इस तरीके से आती है भाई। और इसको जो है ना मैं फटाफट ऐसे प्लेट में रख लेता हूँ यार। काफ़ी मतलब ये हमने लास्ट टाइम भी एक बार ट्राई करी थी, डोमिनोज और लापिनोज के साथ कंपेयर किया था। बिल्कुल भाई, उस टाइम तो यार बहुत मजा आया था। तो अभी दूसरा पैकेट ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें तो पंकज फिर अब वो वाली होगी यार, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स जो नॉर्मल प्लेन आती है, जो प्लेन आती है जी। हाँ भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो भाई दोस्तों इसकी भी लुक आप देख लो यार। इसके ऊपर जो है ना ये आप ऑर्गेनो नहीं है, ये गार्लिक पाउडर होता है इसके ऊपर और काफ़ी अच्छा लगा हुआ है भाई। बाकी दो जी हमें इस तरीके से बॉक्स में मिली है, तो देखते हैं इनको ओपन करके इसके अंदर कौन सी वाली निकलती है भाई। ये है जी हमारी चीज़ गार्लिक ब्रेड। इसके अंदर हमें चार पीस मिले हैं, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ भाई। अब देख लो, चीज़ तो काफ़ी अच्छा लगा हुआ है पंकज ऊपर, अच्छा है ना, खासा मोज़रेला चीज़ लगा हुआ है। बिल्कुल भाई, और इस तरीके से इसको कवर कर रखा है, तो चार पीस मिलते हैं भाई। बाकी लुक देख लो भाई, लुक तो यार बहुत ही शानदार लग रही है भाई। लुक तो बहुत अच्छी लग रही है, ब्रेड बेक हुई भी अच्छी खासी। बिल्कुल। तो जी अब ये है जी हमारा फोर्थ, ये है जी हमारी गार्लिक ब्रेड स्पाइसी सुप्रीम। मतलब इसमें है तो सेम, सिर्फ इसमें अनियन और हरी मिर्चें लगी हुई है ऊपर। हाँ भाई, हरी मिर्च तो यार काफी अच्छी नजर आ रही है भाई इसके ऊपर है। बढ़िया है भाई, बस सिर्फ ये प्याज और हरी मिर्च लगाने से ये स्पाइसी हो गया। इसके अंदर सॉस वगैरह तो कुछ ऐसे बाकी नजर नहीं आ रही है ना, बाकी सब तो सेम ही है भाई। तो जी देख लो जी, ये है जी हमारी स्पाइसी सुप्रीम गार्लिक ब्रेड। बाकी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपने जो है ना इन चारों में से कौन कौन सी गार्लिक ब्रेड टेस्ट कर रखी है, और अगर चारों कर रखी है तो भाई ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अब ट्राई करते हैं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं पंकज कॉर्नर से गार्लिक ब्रेड स्टिक्स जो नॉर्मल आती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब इसको करें भाई टेस्ट। हाँ। पहले ऐसे ही करते हैं, चलो भाई। टेस्ट तो बहुत कमाल का आ रहा है और ऊपर जो मसाला है ना भाई गार्लिक वाला, वो बहुत जबरदस्त लगा हुआ है। मसाले में दम है, बहुत बढ़िया अच्छा फ्लेवर आ रहा है। लेकिन मतलब बहुत हार्ड है यार, हार्ड भी है, ड्राई भी है। इसके साथ डिप या चाय वगैरह कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी भाई, डिप लगा के देखते हैं। इसके साथ अच्छी लग रही है भाई, इसको थोड़ा सा खाना ना टफ है, मतलब कुछ ना कुछ साथ में 100% आपको चाहिए चाहिए भाई। भाई अब ट्राई करते हैं क्रीमी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। बिल्कुल भाई, ये तो यार हमारी फेवरेट है भाई। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आता है भाई। ये ले बेटा, और अब करते हैं भाई इसको टेस्ट। करे भाई, 1 2 3। ये है भाई कुछ जबरदस्त चीज खानी है तो भाई, अगर आपको गार्लिक का ओरिजिनल टेस्ट चाहिए ना, वो ये चीज वाली में आता है यार। इतना तो उसमें भी नहीं था पंकज, उसमें नहीं था इतना जितना इसमें आता है। ये दोनों मैंने पहले भी ट्राई कर रखी थी, बाकी ये दोनों जो है ना मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। अभी तक के लिए ये मेरी फेवरेट है भाई। भाई इसमें बटर की क्वांटिटी अच्छी खुली लगी होती है ना, तो फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाता है। तेरे को कौन सी वाली अच्छी लगी, ये वाली की ये वाली क्यों अच्छी लगी? सॉफ्ट है, क्रीमी है, फ्लेवरफुल है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई, मजा आ गया, सही बता रहा हूँ। और अब बारी है जी चीज गार्लिक ब्रेड, ये ब्रेड के पीस के ऊपर है भाई।
और भाई काफी अच्छी बेक हुई है, ये काफी तो क्रंची यार लग रही है। रस लग रहा है मेरे को। हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है, टेस्ट करें। हाँ चलो। ओ यार ये तो बहुत ज्यादा क्रंची है भाई। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम रस खा रहे हैं ना, बिल्कुल टाइट वैसा। वैसे एक बात बताऊं, और फ्लेवर मेरे को एक पैसे का नहीं मेरे को आया। भी नहीं आया। मैं ये कह रहा था ऊपर ना तो चीज का पता चल रहा है। चीज देख प्रॉपर डाला भी नहीं हुआ, कॉर्नर से सारे खा लिए तो हैं। भाई ये तो ऐसा जो आता है ना जो हम चाय के साथ रस लेते हैं हम, इसका टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा आ रहा है। मतलब वैसा क्रंच हुआ हुआ है, बाकी ऊपर कोई फ्लेवर नहीं है यार, कुछ ना भी नहीं है, गार्लिक का ना चीज का। कुछ है ही नहीं बहुत इसमें। हार्ड है यार इसके साथ तो भाई। मुझे लगता है इसके साथ इसकी जरूरत पड़ेगी उसको धक्का देने के लिए। भाई सही बताऊं तो यार ये वाली खा के ना एक पैसे का भी मजा नहीं आया। अब टेस्ट करते हैं जी स्पाइसी सुप्रीम गार्लिक ब्रेड, स्पाइसी सुप्रीम गार्लिक ब्रेड। इसके ऊपर हरी मिर्च प्याज लगा हुआ है, नोना के बाकी जैसे उठा रहा चीज लगा हूँ। हुआ है। हाँ उसमें से हरी मिर्च हटा दे। हरी मिर्च खाएगी नहीं। तो अब करें भाई टेस्ट इसको। चल चलो। पता नहीं बेटा कैसे। कैसे खाएगी, बहुत हार्ड है यार। आई थिंक बच्चे तो खा ही नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा हार्ड है, और अच्छी लगी तेरे को? बिल्कुल भी नहीं और भाई। फ्लेवर इसमें भी कुछ नहीं है। भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है कि हमने ना पैसे बर्बाद कर दिए हैं, सही बात है है। ना। ये खा ले बेटा तू, ये चाहिए साथ में, ये ले। चार पांच डिप चाहिए थी इसके लिए तो। मतलब इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क आ रहा है, प्याज और हरी मिर्च का। मिर्च का फ्लेवर थोड़ा सा आगे गर्म होने के ऊपर से ना फ्लेवर हाँ फैल गया, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर बोल दूंगा, अगर पिज्जा हट की इन चारों में से सबसे बेस्ट गार्लिक ब्रेड कोई है ना, क्रीमी स्टिक गार्लिक ब्रेड क्रीमी स्टिक्स, गार्लिक ब्रेड जो इनकी आती है ना भाई, स्टिक्स वाली, वो है नंबर वन। नंबर वन है यार। और उसके बाद आप ये ट्राई कर सकते हो प्लेन जो वाली प्लेन वाली है। इन दोनों को भाई साहब मेरे को तो कोई वर्थ लग ही नहीं रही है कि इनको बिल्कुल भी नहीं टेस्ट लग रही करने है, का। सही बात है मजा ही नहीं आया। हमने इसमें पंगे पैसा कितना लगा दिया यार। भाई। गार्लिक ब्रेड स्टिक्स जो कॉर्नर में है वो आई है 99 रुपीज़ की, क्रीमी गार्लिक ब्रेड है 129 की, चीज़ गार्लिक ब्रेड है 129 की, ये 149 की स्पाइसी सुप्रीम। मतलब प्याज और वो हरी मिर्च लगाने पे 20 रुपये बीस बढ़ा रुपए दिए बढ़ा दिए। इसका, और इसका प्राइस सेम है मगर टेस्ट में जमीन आसमान का जमीन फर्क आसमान का है। फर्क है। ये और कितने की होंगे? तो ये 129, ये भी 129 भाई 129 रुपीज और प्लस टैक्स है मेरे ख्याल से। प्लस टैक्स है अगर जीएसटी। आपको खर्च करना है ना तो मैं आपको बोलूंगा भाई ये क्रीमी वाली गार्लिक ब्रेड बिल्कुल। जो है ना पिज्जा हट की, ये आप ट्राई करना और भाई। ये 30 रुपए की डिप जरा सी, ये भी बहुत महंगी है भाई। बिल्कुल। और अब आ रही है जी सेकंड और थर्ड शाउट आउट की शाउट भाई, आउट की। आज का सेकंड शाउट आउट जाता है दीक्षा कुमार जी को। आपकी वीडियो हमेशा बहुत अच्छी होती है और आप अपनी ओरिजिनलिटी बिल्कुल लॉस नहीं करते। आपका कंटेंट यूट्यूब पर नंबर वन है, आपकी कोई वीडियो मैं मिस नहीं करती। कीप ग्रोइंग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और थर्ड थर्ड शाउट आउट है दिव्या कटियाल जी का। दिस इज़ माई फेवरेट चैनल, आई स्पेशली लाइक इट व्हेन यू एक्सप्लेन एवरी थिंग सो नाइसली। कांट वेट टू सी योर चैनल ग्रो इवन बिगर। ब्लेसिंग फॉर योर ग्रोथ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच दोस्तों। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक और करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ना घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।